हेलो ट्वेल्थ क्लास, आपका चैप्टर नंबर 16 रजिया सजाद जहीद द्वारा रचित नमक, जिसके लेखक परिचय, जन्म उनका 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान के अंदर हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब यानी कि उर्दू कहानी संग्रह, इनको सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। निधन इनका 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रहता है। ये एक लेखक के लिए है ना, और हमारे लिए भी हो सकता है कि हम यदि कुछ भी दृढ़ संकल्प करें तो हम कुछ भी पाकर रह सकते हैं। रजिया सजाद जहीर मूलत उर्दू की कथाकार है, ये औरत है। ओके, उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए। रजिया जी की भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी है। आपको पता है देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसकी भाषा हिंदी है। रजिया सजाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। अब ये का टॉपिक है हमारा नमक, जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर क्या है। दो देशों की आपसी सौहार्द प्रेम की कहानी है कि पहले हम एक ही थे, लेकिन जब 1947 के बाद भारत के दो हिस्से बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, फिर आधे लोग वहां से यहाँ आए और यहाँ से वहां गए, और इस तरीके से हमारा जो बंटवारा हो गया। फिर भी कुछ लोगों के अभी भी हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह से रहते हैं, वहां से हमें प्यार हो जाता है, वहां की चीजों से भी हमें प्यार हो जाता है। तो ये इसी प्रकार ये कहानी है कि कोई एक आंटी जी होते, उनको वहां का नमक बहुत अच्छा लगता है, तो वो कोई वहां जाते तो उनसे वो नमक मंगाते, और वहां से एक नमक लाना भी किस कदर भारी होता है, वो इस सब पूरे हम टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उस सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। सिख बीबी मतलब एक कोई आंटी जी थे और वो एक सफिया माँ उनके पास में रहती थी। जब वो उनसे मिली तो एकदम हैरान रह गई, क्योंकि हूबहू उनकी हरकतें और शक्ल किसके जैसे थी? उनकी माँ के जैसे थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिनमें नेकी यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा करने की मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती। नेकी, मोहम्मद और रहम दिली, ये सब उर्दू शब्द है। ओके, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो, वैसे ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मुहर्रम मुसलमान लोगों का एक पवित्र त्योहार होता है और एक महीना भी होता है, जैसे हमारे जनवरी फरवरी होते ना, उनके फिर ऐसे रजब मुहारिया, ऐसे मुहर्रम, सफाउल वजूद, ऐसे इस तरीके से उनके महीनों के नाम होते हैं। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया गया कि ये मुसलमान है, कल सुबह ही लाहौर जा रही अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, मतलब अच्छा खाने और अच्छे अच्छे कपड़े के शौकीन होते, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिल्ली की तस्वीर, कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे उससे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा, अभी माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते, मतलब समझ गए, ये मुहावरा है कि कुछ आंसू आकर एकदम से अंदर अपने वापिस, कई बार होता है ना आंखों से बाहर नहीं आते लेकिन आंखें भर आती, फिर हम अंदर ही अंदर रोते, तो वो आंचल में वापिस
चला जाता है, बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है। साड़ा लोहर मतलब हमारा लाहौर, साड़ा लोहर का मतलब क्या, हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी मतलब जाने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। मतलब आप लाहौर से सौगात मतलब कुछ उपहार मंगाना चाहिए तो मुझे बता दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला। क्या मंगाया? लाहौर का नमक। 15 दिन यूं ही गुजरे, पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, मतलब क्योंकि बहुत टाइम बाद वो गई थी तो सब उसके लिए खातिरदारी में बहुत कुछ कर रहे थे। मतलब कौन, सफिया गई थी वहां, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बढ़िया समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोलिया, देखिए जीजी, देखिए बाजी, सॉरी, आपको कस्टम से होकर गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है मतलब, क्योंकि आपको, हम यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान वाले यहाँ आते हैं तो पहले चेकिंग होती है, तो वो कस्टम होता है, तो वहाँ चेकिंग होगी तो यदि ऐसा कुछ भी मिल गया तो वो आपके पूरे सामान बिखेर देंगे। वह बिगड़ कर बोले, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेगी कानून। अरे फिर वही कानून कानून की कहते जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते, कुछ मोहब्बत मुरावत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? मतलब सारे कानून क्या हुकूमत के होते, कुछ हमारे जैसे इंसान प्यार इनके नहीं होते क्या? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते, कोई मशीन तो नहीं होते? हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है कि हाँ वो मशीन तो नहीं होते लेकिन मतलब उनको तो सरकार के प्रति ड्यूटी निभानी होती है, इसलिए वो शायर भी नहीं होते कि आपकी बातों में आ जाएंगे। अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे, एक तोहफा है वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई चीज नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, मतलब कालाबाजारी कोई माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी मतलब बड़ी ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? ये उसके भाई ने कहा, मतलब आपसे हम जीत में नहीं जीत सकते क्योंकि आप बड़ी जो है और बड़े लोगों का दिमाग कुछ अलग ही होता है। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते, और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया, मतलब सबके अंदर इतना प्यार मोहब्बत होता तो ये बेहतर जगह पे ही होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे 3 दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई, एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, किन्नू मतलब के संतरे के जैसे आते खाने के, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया जाता है फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह बहुत ही नाजुक, और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उसके उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है पर कैसे, अच्छा अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है छोड़ देंगे।
लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। मतलब वो अपने देखो एक वादे के लिए कैसी मुसीबत लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसने उस वो शेख बीबी थे उनसे दिल से रिश्ता बना लिया था अपनी माँ का। इसलिए हम अपने सैयद को कहते हैं फिर वायदा करके झुटलाने के क्या मायने, जाने देकर भी वायदा पूरा करना अगर मगर कैसे। अच्छा अगर इस किन्नियों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किन्नियों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा, और अगर देख लिया नहीं जी फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी, उधर से केले इधर से किन्नू सभी ला रहे थे ले जा रहे थे, यही ठीक है फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, कालीन मतलब बिछाने का आता है, उस पर टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में मतलब एकदम नीचे में रख दी। एक बार जाकर उसने पुड़िया को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी रही, मतलब ऐसी बैठी रही और पुड़िया को ताकती रही, मतलब एक टक देखती रही, उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें सहजदा अपनी रान चीर कर हीरा चिपा लेता था और देवों खोफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। मतलब फिर उस वो क्योंकि वो भी ऐसा ही काम कर रही थी, इसलिए उसकी अम्मा बचपन में जो उसकी अम्मा ने उसको कहानियां सुनाई थी वही उसको बार बार याद आ रही थी, क्योंकि वही अब ऐसा ही करने वाली थी। इसलिए इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें ये नमक चिपा लेती। उसने एक आह भरी एक लंबी सांस ली, फिर वह किन्नियों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल चिप भी गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ जाड़े सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, मतलब चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी, बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरखत मतलब पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की चिट्ठी और फिर सन्नाटा। ये पाकिस्तान था, यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले, बेशुमार मतलब बहुत सारे चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगल जो क्या कहलाता था कस्टम। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए, एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, यह भी हो सकता था वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, मतलब धीरे धीरे उसको नींद आने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हम वहाँ से हैं आए हैं, बहुत दिन हो गए, ये हमारी कोटी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कौन किसने कहा था, ये शेख बीबी ने, जिसको साफिया ने क्या माना था, माँ माना था। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई, शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी सूरी हो गई थी। हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए उसके हाथ किन्नियों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था रसीले ठंडे किन्नू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, मतलब इसके माध्यम से हम एक रह सकते हैं। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नियों की टोकरी पर निगाह जमाए ये सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानते कि टोकरी की तह में किन्नियों के नीचे नमक की पुड़िया है।
जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक जिरजिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखा के ही जाएगी। वो उसने जल्दी से पूड़ियां निकाली और हैंड बैग में रख ली, यानी कि पर्स में रख ली, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान्य कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक सांप खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, मतलब कि सफेद और काले बाल, ऐसा नहीं कि चावलों की खिचड़ी बालों में आ गई, हाँ। आंखों पर ऐनक यानी चश्मे लगे हुए थे। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उससे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे गौर से देखा, मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों से मिलने आई थी, मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए हैं। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया, नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से है, इस तरह गुजर जाती कि कानून भी हैरान रह जाता है। मतलब हम लोगों का भी दोनों देशों से प्रेम है, इसलिए एक प्रक्रिया है, लेकिन ये हम प्यार से इसको भी कर देते हैं। वह चलने लगी, वे भी खड़े हो गए। उन्हें कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। उन खातून को ये नमक देते, मतलब उन मासी को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्तार रफ्तार ठीक हो जाएगा। रफ्तार मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्तार रफ्तार, ये सब उर्दू शब्द है और ये पर्यायवाची शब्द भी है धीरे धीरे के, ठीक है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वही खड़े रहे, प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरें, बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और भीचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी मतलब पाकिस्तान का एक जगह है। पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस फिर उसमें सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरते, मतलब एक ही जमीन है सारा, सबके जबान भी एक सी सबकी शक्लें मिलती है, कपड़े भी एक से, लहबो लाजा मतलब अंदाज और रहने का तरीका भी सब एक से, गालियां भी एक ही सी थी, मतलब जो गालियां देते थे वो भी सब एक जैसी थी। जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थे। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बड़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पूड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ सुनाया। उन्होंने सुर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे इसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रूमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पूरी और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ जाकर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया तो लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे। दो चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खुलाने की पहला पेज खोला। बाई और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे।
शमसुल्लाह इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन यानी कि जब विभाजन हुआ तभी, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कहीं कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे, रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल जो कि एक मुसलमान कवि लेखक कवि थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उससे ठीक एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह यानी कि मेरा बर्थडे था। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर ही कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। तो सब लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे इस विभाजन में। अब कौन सा किसका जगह है, किसको किससे प्यार है, वो अभी भी सोच रही थी। लेकिन फिर भी उसने देखा कि लोगों के दिल में आज भी मोहब्बत है, आज भी जिंदा दिली है, कि उसको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जिसके सामने भी इस बात को बोला उन्होंने एक्सेप्ट किया और अच्छे से उसको नमक ले जाने के लिए दिया। तो ये था हमारा नमक चैप्टर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके उर्दू शब्द आपको याद रखने हैं, ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।